तो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग, आप सबका स्वागत है हमारे माइनक्राफ्ट के एक नए एपिसोड में। तो कल मैंने ना एक कम्युनिटी पोस्ट किया था और मैंने कहा था अगर आपको है ना कुछ मिथ्स पता हो माइनक्राफ्ट के तो कमेंट में जरूर लिखना। तो भाई बहुत ज़्यादा कमेंट आए, उसमें से मैंने कुछ मिथ्स को लिया है और उसको ट्राई करने वाले, देखने वाले कि वो वर्क करते या फिर वर्क नहीं करते। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला मिथ आया है अकीकुल इस्लाम की तरफ से, अगर आप फायर कैंप में चल के पाउडर स्नो पे चलोगे तो वो वाटर बन जाएगा। अच्छा, ऐसा होता है, चलिए चेक करते हैं। तो फाइनली मैंने फायर कैंप ले लिया, यहाँ पे फायर कैंप लगाते और यहाँ पे हम लगाते पाउडर स्नो। और अभी है ना इस पर हम चलते और इसको चलते और देख सकते हो ये है ना गायब हो चुका है, बट पानी नहीं बना है। तो ये पाउडर स्नो था, हमें ना अभी स्नो को ट्राई करते, क्या पता है स्नो और पाउडर स्नो में कोई डिफरेंट होगा। तो वैसे आप देख सकते हो यहाँ पे एक स्नो है और यहाँ पे है ना एक बकेट ऑफ स्नो है। अब देखते हैं कौन सा पानी बनता है। तो इस पे गया और इस पे जाने पे कुछ होता नहीं है और इस पे जाते तो ये गायब हो जाता है, लेकिन पानी नहीं बनता। तो पाउडर स्नो वाटर नहीं बना, तो इसका मतलब ये मिथ बस्टेड है। अभी चलते हैं नेक्स्ट मिथ की ओर। तो नेक्स्ट मिथ दिया है MD मोशरफ ने, आप अगर हॉर्स को शुगर फीड करोगे तो वो खा सकता है और उसका है ना हाफ हेल्थ बढ़ जाएगा। तो ऐसा होता है, मुझे पता भी नहीं था कि हॉर्स शुगर खाता है। ये मैंने हॉर्स को किया और फीड का ऑप्शन आ रहा है, आप देख सकते हो ये शुगर खाता है, मेरे को पता नहीं था, सबसे पहली बार मुझे पता चला है। तो ये मिथ एकदम कंफर्म है, आप देख सकते हो इसको मैं खिला सकता हूँ। Few inches later. तो नेक्स्ट मिथ दिया है आदित्य कुड़वा ने, तो उन्होंने कहा है कि अगर आप फॉक्स को है ना फ्रॉस्ट वॉकर का बूट दोगे तो वो वाटर को ऊपर चल के उसको बर्फ बना देगा, मतलब फ्रीज कर देगा एक तरीके से। तो चलिए ट्राई करते हैं। तो चलो फाइनली मैंने है ना फ्रॉस्ट वॉकर का बूट ले लिया, फॉक्स को स्पॉन करते और चेक करते ये वर्क करता है या नहीं। तो सबसे पहले ये प्लेस पे मैं है ना ये फ्रॉस्ट वॉकर का बूट फेंकता हूँ और यहाँ पे ना एक फॉक्स को मैं स्पॉन करता हूँ। और ये उठा लिया क्या इसने, शायद से उठा लिया। अब मैं इसको पानी में थोड़ा धक्का दे और देख सकते हो ये वर्क कर रहा है। अरे यार, तो देख सकते हो इसने पूरे पानी को फ्रीज कर दिया, इसके मुंह में अभी भी फ्रॉस्ट वॉकर का बूट है। तो ये मिथ एकदम कन्फर्म है और काफ़ी देख सकते हो अभी भी ये वर्क कर रहा है। तो भाई ये बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट फॉक्स है, ये यूज़ भी करता है। और बहुत लोगों ने कहा था अगर मैं यहाँ पे ना इसको फायर एस्पेक्ट का अगर मैं चीज़ देता हूँ तो वो उसको भी यूज़ करता है, जैसे कि स्वॉर्ड। भाई बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट फॉक्स है भाई, तू तो भाई कमाल है। चल अब वो वापस दे, जान दे, रख दे। अभी है ना हम नेक्स्ट मिथ की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट मिथ आया है इंडियन ड्रीम की तरफ से, भाई क्या नाम रखा है। तो लिखा है योर वर्ल्ड थंडरस्टॉर्म एंड योर हॉर्स कैन ट्राइडेंट थ्रो कन्वर्ट स्केलेटन हॉर्स। पता नहीं इन्होंने लिखा क्या है बट मैं समझ गया, ये कह रहे कि अगर मैं थंडरस्टॉर्म में ना चैनलिंग वाला ट्राइडेंट फेंकूंगा अपने हॉर्स के ऊपर तो वो ट्रांसफर हो जाएगा स्केलेटन हॉर्स में। तो चलिए ट्राई करते हैं। तो चलो मैंने ट्राइडेंट ले लिया, चैनलिंग वाला हॉर्स को भी ले लिया। हॉर्स को स्पॉन करते और सबसे पहले ना उसको माउंट करके टेम करते हैं। चलो टेम भी कर लिया है ना, हमको बारिश कराने की ज़रूरत है। सॉरी हॉर्स, तेरा आज बलिदान देने वाला हूँ मिथ को कन्फर्म चेक करने के लिए। सबसे पहले ना हमको थंडरस्टॉर्म की ज़रूरत है ना, तो चलिए थंडरस्टॉर्म को कराते हैं। ये रहा थंडरस्टॉर्म, मैं एकदम रेडी हूँ ट्राइडेंट को लेके, अब इसके ऊपर फेंक के देखते क्या होता है। तो ओके, इसको सिर्फ डैमेज हुआ लेकिन ये ट्रांसफ़र नहीं हुआ किसी चीज़ में। तो वापस से एक और बार ट्राई करते हैं, तो दोबारा से कुछ नहीं हुआ एक और बार। ओके, मैं इसके ऊपर बैठ गया, इसका हेल्थ डाउन हो रहा है, क्या पता पूरा हेल्थ खत्म होने के बाद ये मतलब चेंज होता होगा एक और बार। अरे ये बार बार इस पर बैठ रहा हूँ, थोड़ा दूर जाता हूँ मैं। चलो अब ट्राई करता हूँ इसको, ये गया वापस, कुछ नहीं हुआ, कितना हेल्थ है इसके पास। एक और बार ट्राई करता हूँ, तो निकल यहाँ से। और ओके, देख सकते हो हॉर्स मर गया, लेकिन ये है ना स्केलेटन हॉर्स में नहीं बना, मतलब जिसने भी ये मिथ लिखा है उसने गलत लिखा, शायद ये जावा में होता होगा लेकिन बेडरॉक में तो नहीं हो रहा है। इस मिथ की वजह से मेरा एक हॉर्स मर गया बेचारा। तो नेक्स्ट मिथ दिया है हॉर्स 2007 ने, उन्होंने कहा है कि अगर आप सब्सक्राइब बटन को क्लिक करते तो वो रेड से ग्रे हो जाता है। ऐसा होता है, मुझे तो पता नहीं था, गाइस ट्राई करके ज़रूर देखना। तो नेक्स्ट मिथ आया पीयूष मीना की तरफ से, उन्होंने कहा है वेंडरिंग ट्रेडर आयरन डोर को ओपन कर लेता है। मतलब इन्होंने क्या कहा समझ नहीं आ रहा है, बट शायद से ट्राई करना बनता है। तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा रूम बनाता हूँ जिसमें आयरन का डोर लगाऊंगा और चेक करेंगे कि वेंडिंग ट्रेडर उससे बाहर निकल पाता है या नहीं निकल पाता। तो फाइनली एक रूम बना दिया, अब है ना मैं इसको अंदर के साइड से लगा के देखता हूँ, अब चेक करेंगे कि वेंडिंग ट्रेडर निकल पाता है या नहीं। और सबसे पहले उसको स्पॉन करते हैं। तो ये मैं कर रहा हूँ वेंडिंग ट्रेडर को स्पॉन, और ये स्पॉन भी हो गया। अब इसको ना बाहर कैसे जाना है, इसको हिट करना पता शायद से। तो एक बार ट्राई करता हूँ, इसको मैंने मार दिया और इसने खोल लिया, मतलब बिना लीवर के और बिना बटन के किसी भी चीज़ के बिना इसने आराम से खोल लिया। ये तो कुछ ज़्यादा इंटेलिजेंट निकला, यहाँ तक कि विलेजर नहीं खोल पाते। और वैसे तो हम भी इसको नहीं खोल सकते बिना बटन या फिर बिना लीवर के, और इसने तो ऐसे ही खोल के निकल गया। ये तो कुछ ज़्यादा ही OP निकला भाई, तू तो
एकदम छुपा रुस्तम निकला ये तो। ये वाला मिथ तो 100% कंफर्म निकला। अभी नेक्स्ट मिथ देखते, तो नेक्स्ट मिथ आया है नारायण चौधरी की तरफ से। उन्होंने कहा है कि अगर आपने एक चार्ज क्रीपर को स्ट्रे के सामने फोड़ा तो वो वेदर स्केलेटन स्कल देता है। तो ऐसा होता है मुझे पता नहीं, तो चलो ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले ना मुझे एक एरिया बनाना पड़ेगा जहाँ पे ना मैं चार्ज क्रीपर को रख सकूँ। तो यहाँ पे एक चार्ज क्रीपर को पकड़ते हैं। Few inches later. तो पूरा का पूरा सेटअप मैंने कर दिया, इसके अंदर मैंने इसको रख दिया क्रीपर को। अब स्ट्रे को रखना है, लेकिन सबसे पहले ना मैं यहाँ पे थंडरस्टॉर्म करता हूँ, नहीं तो दिन में स्ट्रे तो भाई डैमेज लेके मर जाएगा। तो ये हो गया थंडरस्टॉर्म, इसके अंदर मैंने स्ट्रे को रखा। और एक मिनट, स्ट्रे को बाद में रखना था शायद, से पहले ना चैनलिंग से इसको चार्ज करना पड़ेगा। तो इसको मैं पहले चार्ज करता हूँ। और ओके, इसको चैनलिंग मैंने लगाया, फिर भी नहीं हो रहा है कोई भी। एक मिनट एक और ट्राई करता हूँ। तो फाइनली ये चार्ज हो चुका है। अब मुझे इसको फोड़ना है, तो इसको फोड़ने के लिए ना मैं जिसको यूज़ कर सकता हूँ वो है फ्लिंट एंड स्टील। और देखते क्या होता है, ये फूटा मैंने। ओके, अभी भी नहीं फूटा। इसको मैं इनगाइड कर सकता हूँ ना ये? ओके, तो शायद ऐसे वर्क नहीं करता, तो मुझे एक और क्रीपर को स्पॉन करना पड़ेगा। पता नहीं लास्ट टाइम क्यों मतलब ये है ना फटा नहीं, लेकिन कोई बात नहीं। अरे हो जा भाई पूरा तैयार। चलो फाइनली रेडी हो चुका है। अब मेरे पास है ना कोई रास्ता नहीं है, मुझे ना यहाँ पे सर्वाइवल में जाना पड़ेगा, तो वो शायद से फूटेगा। तो मैं सर्वाइवल में जाता हूँ। और चल फूट जा भाई, फूट। ओके, फूट रहा है। और ये फाइनली फूट चुका, लेकिन स्ट्रे को नहीं मार पाया। मतलब ओके, शायद से मैंने ब्लॉक रखा था, इसलिए पूरी तरह मेरा प्लान फेल हो गया। मुझे एक और बार ट्राई करना पड़ेगा। One eternity later. तो ये मैं सेकंड टाइम ट्राई कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम तो नहीं हुआ था, पता नहीं मैंने कुछ गड़बड़ किया था। तो सबसे पहले ना यहाँ पे ये इसको स्पॉन करना है, और उसके बाद मुझे इसको पूरी तरह चार्ज क्रीपर बनाना है, और उसके बाद मुझे स्ट्रे को स्पॉन करना है, और इसको है ना फोड़ना है। तो इसको इनगाइट नहीं कर सकता क्या? ऐसे तो नहीं हो रहा था, तो मुझे ना यहाँ पे सर्वाइवल में ही आना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे ना सर्वाइवल में आ जाता हूँ फटाफट से। और ये मैं सर्वाइवल में आ गया, और अभी शायद से फूट जाएगा। फूट जा। और ओके, मैं भी मर गया, लेकिन अभी ट्राई करते देखते कुछ देता है या नहीं। तो फाइनली मैं ये जगह पे आ चुका, और देखते हैं यहाँ पे वेदर स्केलेटन का स्कल है या नहीं है। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे वेदर स्केलेटन का स्कल पड़ा है, मतलब ये पूरी तरह वर्क करता है मिथ, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। फिर तो हमको अंदर जाके वेदर स्केलेटन को ना मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी नेदर में, हम इसी तरीके से ले सकते हैं। बस है ना आपको एक नोई बायोम चाहिए जहाँ पे ना आप स्ट्रे को फाइंड कर सकते हो, और आपको थंडरस्टॉर्म चाहिए होगा। अगर आप लकी हुए तो थंडरस्टॉर्म हो जाएगा, तो चैनलिंग से आप कर सकते हो, बट बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ऐसे नॉर्मली नेदर में जाके मारेंगे तो लूटिंग थ्री से कम चांस होता है, लेकिन इसमें तो हर बार मिलने का चांस होता है शायद से। तो काफ़ी अमेजिंग मिथ्स आप लोगों ने दिया। तो ये मिथ तो है ना 100% है ना, एकदम कन्फर्म है। तो भाई जो नेक्स्ट मिथ है वो मेरी तरफ से है। तो मेरा मिथ ये है कि अगर हम बहुत ज़्यादा हाइट पर जाए और पिक के ऊपर राइड करके नीचे कूदे ना, तो हमको बिल्कुल भी डैमेज नहीं मिलता और हम बच जाते हैं। चलिए देखते हैं ये कन्फर्म है या फिर ये भी एक मिथ ही है। तो सबसे पहले ना मैं यहाँ पे ये ब्लॉक लगा के कम से कम है ना 100-200 ब्लॉक ऊपर चला जाता हूँ। 200 तो नहीं, बट 100 ब्लॉक एटलीस्ट चला जाता हूँ ऊपर, ताकि पता चले वहाँ से ना हमारे मरने के चांसेस, और एकदम सर्वाइवल में करने वाले। तो इतना हाइट शायद से बहुत है, क्योंकि इतने हाइट से बचने का तो कोई चांस नहीं है। तो इसको थोड़ा सा ना छोटा प्लेटफॉर्म बनाता हूँ, ताकि है ना मैं यहाँ पे पिक को स्पॉन कर सकूँ, और उसके बाद है ना उसको सैडल लगा के नीचे कूद सकूँ। तो फाइनली मैं यहाँ पे ना एक पिक को स्पॉन करता हूँ, उस पर सैडल लगाता हूँ, फिर माउंट करता हूँ, और एकदम मैं यहाँ से नीचे कूदता हूँ, और देखते क्या होता है यहाँ पे, हम मरते या बच जाते। तो देख सकते हो हम सर्वाइवल में एकदम बच चुके, सिर्फ 3 हार्ट गए। तो ये मिथ एकदम कन्फर्म है, इससे ना हम खतरनाक लेवल की एमएलजी कर सकते हैं, और फ्री में हमको ना पॉक चॉप मिलता है बेचारा, लेकिन पिक मर जाता है। तो ये 100% वर्किंग मिथ है। तो चलिए गाइस, मुझे लगता है कि आप लोगों ने ना आज का वीडियो एंजॉय किया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। चलिए गाइस, मिलते हैं एक नए माइनक्राफ्ट के एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।